आगे बढ़ेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। रैगांव उपचुनाव में दिए गए बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अजय सिंह के बयान को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया है। सतना कलेक्टर को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ये नोटिस भेजा है। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया से 7 दिन के अंदर जो है जवाब मांगा गया है। अजय सिंह के नशे को लेकर जो बयान है उसको आपत्तिजनक माना जा रहा है। आपको बता दें, उन्होंने आर्यन खान के बचाव में बयान दिया था। आज कौन बच्चा है जो नशा नहीं करता, इस तरह का उनका बयान था। किसी भी बिल्डिंग के पीछे कोरेक्स की बोतलें भरी पड़ी मिल जाती हैं। और एक खबर के साथ ही अपने दर्शकों को हम वो बयान भी सुनाएंगे जो अजय सिंह ने दिया था। और एक फिल्म स्टार के लड़का आर्यन खान, जेके पास कुछ नहीं मिला, कोनो सबूतों नहीं आए कि वह गांजा लीज के नहीं, यही चले थी उसकी बिल्डिंग के पीछे पता नहीं कितनी कोरेक्स की बोतल पड़ी। लेकिन वह लड़का का अरेस्ट किन आज के तारीख तक जमानत नहीं मिला, कानूनन नहीं हो सका था। वह कानून नहीं है कि उसका अरेस्ट कर दे और बिना जमानत के रखे। लेकिन यह देश में दो तरह के कानून है, एक अजय मिश्रा जी खिदिर और एक आर्यन खान। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मनोज जी, जिस तरह से इन्होंने ये बयान तो दे दिया अजय सिंह राहुल ने, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि रेगांव उपचुनाव के लिए ये लोग ये गए हुए थे, उसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। अब सरदर्द बन गया है क्योंकि नोटिस आ गया है और बच्चों को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक खास दवा का नाम भी ले दिया कि ये पड़ी रहती हैं और इसके बाद जो है मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए, इसको उपचुनाव से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जहाँ बयान दिया वो रेगांव था और रेगांव में भी उपचुनाव होना है। और जिस मंच से उन्होंने बोला तो दो तरह की इसमें बातें नजर आती है, एक तो ये कि आर्यन का उन्होंने बचाव किया है, दूसरा बाल यानी बच्चों को लेकर ये कहा कि कहीं भी आप देखेंगे तो पीछे किसी बिल्डिंग के पीछे जिस दवा का आप जिक्र कर रही थी वो उसकी खाली बोतलें मिल जाएंगी या कुछ और ऐसे संसाधन हैं जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से नशे में किया जाता वो मिल जाएगा। तो ये एक तरह से उन्होंने उनके बयान को यदि समझा जाए तो आर्यन के बचाव में ये कह दिया था कि उनको फंसाने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र भी किया था, लेकिन रेगांव के पहले चुनाव के पहले ये जिस तरह के बयानबाजी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे, आप ये भी याद करना होगा कि 2 दिन पहले ही डॉक्टर उत्तम मिश्रा से उनकी मुलाकात हुई थी, तो तमाम तरह की अटकलें थी, लेकिन अटकलों के बीच में अब बाल आयोग की तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया, वहाँ के कलेक्टर को 7 दिन में जवाब मांगा गया, तो निश्चित है कि मुश्किल बढ़ने वाली। यदि बाल आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसका लाभ लेना चाहेगी, और सियासत राजनीति में यही सब चलता रहता है, पर कहीं गलती कर बैठे अजय सिंह जैसा दिखाई दे रहा है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता ने कहा कि मनोज सिंह कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं, क्योंकि गलत संदेश, गलत मैसेज बच्चों तक